ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या नाम आता है भाई बुक का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसका हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंसेंटिव वेज प्लान. क्या नाम है भाई? इंसेंटिव वेज प्लान, या फिर जिसको बोलते हैं इंसेंटिव कंपनसेशन. आसान है ना भाई? हाँ जी. इससे पहले हम एक चैप्टर और पढ़ चुके हैं, 11वां चैप्टर, जो कि कंपनसेशन के बारे में ही था, ठीक है, कि कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो चीज हमने सीखी थी, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन क्या होता है वो चीज सीखी थी. इसके अंदर भाई है इंसेंटिव वेज प्लान, यानी कि आप वेजेस कैसे प्रोवाइड करोगे एम्प्लॉयज को, उसके बारे में दिया गया है. ठीक है, वेज तो सिंपल होता है कि आप सिंपल तरीके से वेजेस कैसे प्रोवाइड करते हो. यहाँ पे हम सीखेंगे इंसेंटिव कैसे देते हैं, यानी कि एक तरीके से बोनस कह सकते हो आप, कि बोनस कैसे प्रोवाइड करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा काम करते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज, उनके लिए एक्स्ट्रा जो पेमेंट करनी पड़ती है वो पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी और किस तरीके से देनी पड़ेगी, क्या क्या मेथड है वो एक्स्ट्रा पेमेंट देने के, यानी बोनस देने के, इंसेंटिव देने के मेथड क्या क्या है, किस तरीके से हम उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हैं. तो समझिए इंसेंटिव वेजेस होता क्या है. इंसेंटिव वेजेस रिलेटेड टू, हाँ जी, रिलेट्स टू प्रोडक्टिविटी एंड मे यूज प्रीमियम बोनस और ए वैरायटी ऑफ रेट्स टू कंपनसेट फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस. ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ भाई, ध्यान से, मेरे को लगा कट जाएगा, इस बारे मैंने पूरा लिखा ही नहीं. हाँ जी, परफॉर्मेंस. आसान है, जो इंप्लॉयज हमारे लिए सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए, वो जो सुपीरियर परफॉर्मेंस होती है, जैसे इंप्लॉय के लिए काम करने के लिए स्टैंडर्ड आवर दे रखे हैं 8 घंटे. आसान है कि एक इंप्लॉय मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घंटे काम करेगा, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, वो उनसे 12 घंटे काम करवाते हैं, तो 4 घंटे उस कंपनी मतलब इंप्लॉय ने क्या करे, एक्स्ट्रा काम किया, तो वो एक्स्ट्रा काम जो उसने किया उसके लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो देना पड़ेगा. ये तो है नहीं कि फ्री में कोई काम कर देगा एक्स्ट्रा काम. हाँ जी, तो जो सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाते हैं इंप्लॉय, उसके लिए जितना भी आप कंपनसेट देते हो किसके फॉर्म में, क्या बोलते हैं, बोनस के फॉर्म में, या फिर प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम चीज के फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी आपको आपने उसको प्रीमियम के तौर पर दे दिया, इन सब चीजों के में जो कंपनसेट देते हो वो जो एक्स्ट्रा काम करने के बदले में, उसी को कहलाया जाता है क्या, इंसेंटिव वेजेस. आसान है, तो इंसेंटिव वेजेस क्या होता है, बस जो भी एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है किसी एम्प्लॉय से उसके बदले में उसे जो भी चीज आप प्रोवाइड करोगे उसे बोलते हैं इंसेंटिव वेजेस. आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं. बात आती है एडवांटेज, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव कंपनसेशन. जो हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं उसके फायदे क्या होते हैं, पहली चीज कोऑर्डिनेशन बना रहता है किसके बीच में, हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है उसके बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में, वो सब के सब मिलजुल के काम करते हैं. आसान है ना? हाँ जी, एक सेकेंड भाई, बस. हाँ भाई, शुरू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. ठीक है, हाँ जी, हम पढ़ रहे थे एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव कंपनसेशन. इंसेंटिव प्रोवाइड करने के फायदे क्या है, तो पहला फायदा भाई कोऑर्डिनेशन बना रहता है किसके बीच में, ऑब्जेक्टिव के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में, यानी कि हम जो इनको इंसेंटिव दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्शन ज्यादा करें. आसान है ना? हाँ जी, तो इस वजह से वो ज्यादा पैसों के लालच में, या फिर ज्यादा बोनस के लालच में, ज्यादा इंसेंटिव के लालच में वो और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे जो हमारा जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बिजनेस के, वो क्या होते हैं, जल्दी अचीव होने में हेल्प मिलती है. ठीक है, हाँ जी, तो एम्प्लॉय और ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, दोनों मिलजुल के काम कर रहे होते हैं. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. वेज रेट रिलेट्स टू आउटपुट. ये जो हम वेज रेट देते हैं या फिर जो इंसेंटिव देते हैं, ये रिलेट्स होता है किसके साथ, आउटपुट साथ. जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको, वेज रेट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा. आसान है ना? इस वजह से इंसेंटिव अगर हमको ज्यादा देना पड़ रहा है तो आउटपुट भी हमारा क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा. सिंपल बात है ना, ये फायदेमंद चीज रहती है, क्योंकि हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे तब जब हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. अगला चीज भाई, तीसरी चीज आती है कॉस्ट. तीसरी चीज क्या होती है, कॉस्ट. तो इससे जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ही मिनिमम रहती है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने 8 घंटा काम करवाया, फिर कोई नया इंप्लॉय लेके आया अगला प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर शिफ्ट हमने चेंज करी, तो फिर उसके आने जाने का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे 8 घंटे की जगह उसने क्या बोलते हैं 12 घंटे अगर काम कर दिया, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, और वो भी वेज रेट लगभग उतनी ही देनी पड़ती है जितनी आप पहले ही दे रहे थे. तो कॉस्ट आपकी बच जाती है, उसके लंच वंच के काम, जो जो नया एम्प्लॉय होगा उसको हायर करने का जो खर्चा है वो बच जाता है आपके लिए. ठीक है, हाँ जी, और आपको बढ़िया एफिशिएंसी वाले जो आपके पास पहले से इंप्लॉय कर रहे थे काम, वही मिल जाते हैं आपको अच्छी कीमत पे. ठीक है, तो कॉस्ट आपकी क्या पड़ती है, कम पड़ती है. लेस सुपरविजन, आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ता, बार बार चेक नहीं करना पड़ा कि इंप्लॉय काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्योंकि उसको इंसेंटिव मिल रहा है. इंसेंटिव की लालच में इंप्लॉय अपने आप ही क्या करता है, काम करता है, क्योंकि भाई ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा ज्यादा आउटपुट आएगा. तो ठीक है ना, हाँ जी, तो सुपरविजन कम करना पड़ता है.
गुड ह्यूमन रिलेशन, यानी कि इससे ह्यूमन का रिलेशन क्या रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि भाई उन अब एम्प्लॉय और क्या होते हैं, और एम्प्लॉय अगर गुस्सा होता है किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, क्यों, तो वो ये सोच के गुस्सा होता है कि सैलरी कम है या फिर हमें कम पैसा मिलता है, तो इसके मेथड के थ्रू वो क्या करता है, जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा आउटपुट करेगा, उतना ज़्यादा उसे क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो यानी कि ये क्या होगा, ये हेल्प करेगा उसको ज़्यादा पैसे कमाने में, इसलिए रिलेशन क्या रहता है ह्यूमन का, अच्छा रहता है, यानी कि एम्प्लॉय जितने भी काम करते हैं उनका रिलेशन क्या रहता है, अच्छा रहता है, क्योंकि वो अब वो डिपेंड करता है उन पर, जितना वो काम करेंगे उतना उसे पैसा मिलेगा, आसान है भाई, उतना बोनस मिलता है, उतना इंसेंटिव मिलता है। बात आती है लिमिटेशन की, दिक्कतें क्या होती हैं जब आप इसको देने लग जाते हो, तो पहली चीज एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। एटीट्यूड में चेंज क्या होता है, पहले जब इंप्लॉय काम करता था 8 घंटे, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के जो होता है ना ऑब्जेक्टिव्स, उनको ध्यान में रख के काम कर रहा होता है कि भाई इतनी चीजें चाहिए, इतना काम करना है, आसान है। लेकिन जब आप इंसेंटिव देने लग जाते हो, बोनस देने लग जाते हो, तो उस टाइम पे जो इंप्लॉय होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दूंगा, उतना ज्यादा पैसा, बेसिक से जरूरत ना उस प्रोडक्शन की, लेकिन वो प्रोडक्शन किया जाएगा क्योंकि उसको बोनस से मतलब है, इंसेंटिव से मतलब है। आगे चलते हैं, इनइक्विटीज इन वेजेस। वेजेस में क्या हो जाती है, इनइक्विटीज आ जाती है, यानी कि असमानता आ जाती है, कोई प्रोडक्शन कम करता है तो उसकी वेजेस कम हो जाती है, कोई प्रोडक्शन ज्यादा करता है तो फिर उसकी वेजेस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, यानी कि इंसेंटिव मिला के ज्यादा हो जाती है। तो भाई इस तरीके से भाई इंसेंटिव मिला के वही या जो बैठे वाला बंदा, हाँ जी, तो इंसेंटिव मिला के उसकी वेजेस वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगला आता है लैक ऑफ प्रॉपर क्या होता है, मैनेजमेंट। यहाँ पे ना मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव अब इंडिविजुअल तौर पे बन चुके होते हैं, इंडिविजुअल तौर पे मतलब कि वो सब अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, यानी जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा उन्हें क्या मिलेगा, उतना ज्यादा उन्हें मिलेगा क्या, इंसेंटिव, आसान है ना, हाँ जी, तो जितना वो प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, इसलिए वो केवल अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, इस वजह से मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई छुट्टी पर चला जाता है तो फिर भाई पूरे खत्म, उसको कुछ देने नहीं पे, और जो क्या होता है ज्यादा प्रोडक्शन करते जा रहा है, मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर सेलिंग डिपार्टमेंट वो प्रोडक्शन मतलब आया नहीं, वो छुट्टी पर ही है, तो क्या आगे माल बिक ही नहीं पाएगा, बस खाली प्रोडक्शन होता जा रहा है, माल बिक ही नहीं पा रहा, सुनिए, हाँ, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इंडिविजुअली हो जाते हैं फॉर्म को छोड़ के, ठीक है भाई। अगला टॉपिक आता है भाई फ्रिंज बेनिफिट। वैसे ये पहले ही टॉपिक करवा चुका हूँ मैं एक बार, ठीक है, यानी जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर हो चुका है ये फ्रिंज बेनिफिट वाला, लेकिन आप समझ ही लो इस टॉपिक में दे रखा है किसी बुक के अंदर, ठीक है भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं दोबारा से। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, ठीक है भाई, हाँ जी, उसको बोलते हैं क्या, फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या है, इट रेफर्स टू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज इन एडिशन टू नॉर्मल कॉम्पनसेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी। जो हम नॉर्मल सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा जो हम उसको एक्स्ट्रा तौर पर कुछ देते हैं या फिर कोई चीज प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट। ऐसा है जैसे कि किसी को बोनस दे दिया, डीआर दे दिया, ड्राइविंग अलाउंस, वही जो इंसेंटिव होते हैं ना, इंसेंटिव को ही क्या बोलते हैं भाई, फ्रिंज बेनिफिट, आसान है, हाँ जी, शुरू करते हैं। तो ये देने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहली चीज एम्प्लॉय की डिमांड, क्योंकि एम्प्लॉय डिमांड करते हैं इसलिए जरूरत पड़ती है। अगली चीज भाई फ्री में तो काम करेंगे ना, वो आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आपको उनको सैलरी भी क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, हाँ जी। अगर सोशल सिक्योरिटी, तो उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, ये चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आसान है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके पास, ठीक है भाई, तो खाली सैलरी के लिए तो काम करेगा नहीं, मैंने बताया था मॉसलो के जो मतलब आपने बच्चों में पढ़ा होगा 12वीं के अंदर, ठीक है, मॉसलो के जो नियम होते हैं मोटिवेशन के, वो 5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, दूसरा स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं अच्छी सैलरी वैलरी चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना भाई, उसके बाद उसको वो चाहिए होता है क्या बोलते हैं अपनी वो क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया दिमाग से उतर गया, अरे उसे वो चाहिए होता है स्टेटस, ठीक है, तो उसे स्टेटस चाहिए होता है कि कंपनी में उसका कोई पद हो या फिर कोई क्या बोलते हैं औहदा हो, ठीक है भाई, स्टेटस चाहिए होता है। उसके आगे और नीड्स बढ़ती जाती है 2-3 और, ठीक है भाई, चालू करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, तो उसे क्या चीज मिल जाती है, इंसेंटिव के थ्रू सोशल सिक्योरिटी, जैसे ESI मिल जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय सिक्योरिटी फंड, या फिर हाँ जी ESIC बोलते हैं वैसे उसे। आगे चलते हैं, अगला आता है एम्प्लॉयर प्रेफरेंस, और एम्प्लॉयर भी यही चाहते हैं भाई, क्योंकि उनको अपना आउटपुट बनाना है, आउटपुट बनाने के लिए एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ लालच देनी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयर चाहते हैं एम्प्लॉय को थोड़ा सा लालच देके या फिर इंसेंटिव वो देके कि ज्यादा पैसे मिलेंगे, आउटपुट बढ़ाया जा सके, आसान है। तो ये तीनों के लिए बेनिफिशियल होता है, एम्प्लॉयज के लिए भी, एम्प्लॉयर के भी, और बिजनेस के लिए भी। आगे चलते हैं टाइप्स, किस तरीके के जो होते हैं
ये फ्रिंज बेनिफिट हो सकते हैं। पहला चीज पे फॉर नॉन टाइम वर्क, हम उस टाइम के लिए भी पे करें जिस टाइम पे उस एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है, जैसे आप देखोगे कि पे किया जाता है एक्चुअल में। जैसे आप देखोगे कि जो सैलरी होती है, मान लो किसी की सैलरी एम्प्लॉय की 20,000 रुपए सैलरी है और 20,000 रुपए जो सैलरी होगी वो उसकी पूरे महीने की सैलरी होती है, यानी कि जो 30-31 दिन वो काम करता है उसकी उसको सैलरी मिलती है। लेकिन आप देखोगे संडे को तो काम करता ही नहीं, तो क्या संडे की सैलरी काटी जाती है उसमें से? नहीं, हम ये टाइम भी जोड़ देते हैं, संडे वाला टाइम भी जोड़ देते हैं उसी की सैलरी में। ये मान लेते हैं वो जो छोटी वाला है ये उस दिन भी उसे काम मिला हुआ है, यानी कि वो काम कर रहा है। यानी कि पे फॉर नॉन टाइम वर्क, जिस दिन उसने काम नहीं किया या फिर जिस टाइम उसने काम नहीं किया उस टाइम के लिए भी हम उसको पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। आसान है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। एम्प्लॉय सिक्योरिटी, जब हम एम्प्लॉय की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, यानी कि मान लो कोई चोट वोट लग गई तो फिर वो इलाज विलाज करवा सकता है, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस सब का ध्यान रखते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। आगे चलते हैं सेफ्टी, जब कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे सेफ्टी प्रोवाइड होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं फ्यूचर उनका सेफ हो जाएगा या फिर उनको घर दिलाया जाएगा कंपनी की तरफ से, हाउस रेंट दिया जाएगा भाई कि अगर आप यहाँ पे आए हो हमारी कंपनी में काम करने के लिए तो आपके घर का जितना भी रेंट होगा वो हम भरेंगे, जिससे हाउस रेंटल अलाउंस बोलते हैं या फिर टिफिन बेनिफिट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सेफ्टी के बाद आते हैं पेंशन, यानी कि वही बताया भाई, जो आपको फ्यूचर में मान लो आप रिटायर होने वाले हो तो फिर आपके फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए कुछ चीज आपको दी जा रही है, यानी आपके पेंशन फिक्स किया जा रहा है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी फ्यूचर में, तो इसको भी बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। आसान है, ये सब टाइप्स है फ्रिंज बेनिफिट के। फिलहाल भाई वापस आते हैं इंसेंटिव वेजेस पे। तो इंसेंटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस एम्प्लॉय को कितना इंसेंटिव देना है, किस एम्प्लॉय को किस तरीके से इंसेंटिव देना है, ये कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो भाई आता है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स, किस तरीके से हम इंसेंटिव कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इंसेंटिव बेसिकली तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाते हैं, पहला टाइम वेज पे, दूसरा पीस वेज पे, और उसके बाद आता है वेज इंसेंटिव प्लान। आसान है, टाइम वेज और जो पीस वेज होते हैं बहुत आसान होते हैं, ये मैं पहले सिखा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो भाई चैप्टर नंबर 11 में, मतलब इससे पहले वाला जो चैप्टर था चैप्टर 11, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, चैप्टर 11 का आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, उसके अंदर ये पूरा हो चुका था कौन सा टाइम वेज और पीस वेज अच्छे तरीके से करवाया था मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ, ठीक है, और सुटेबिलिटी भी बताई थी कहां पे सुटेबल होते हैं। तो इंसेंटिव प्लान मैंने बताया था तीन तरीके के प्लान होते हैं, पहला टाइम वेज, टाइम वेज मैंने बताया था भाई, टाइम वेज क्या होता है, टाइम वेज सिस्टम के अंदर हम वेजेस कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, नंबर ऑफ ये नंबर इनटू में आर करके, नंबर मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ आवर वर्क इनटू में रेट पर आवर, यानी कि यहाँ पे ना टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे ऑफिस वाले जितने भी वर्क होते हैं उसमें कैलकुलेट करना होगा कितनी वेजेस दिया जाए, तो वहां पे टाइम के हिसाब से वेजेस देते हैं, जैसे 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे की जॉब के हिसाब से पैसे देंगे, मान लो 100 रुपए एक घंटे के होते हैं तो 8 घंटे के कितने हो गए 800 रुपए मिलेंगे उस एम्प्लॉय को काम करने के बदले में। पीस वेज में होता है पीस के हिसाब से, जितना वो यूनिट बनाएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक यूनिट का रेट रख दिया हमने 10 रुपए, कितने रुपए 10 रुपए, और एक एम्प्लॉय ने 8 यूनिट बनाई, कितनी यूनिट बनाई 8, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे 80 रुपए मिलेंगे, यानी पीस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है जितना वो माल बनाता है, ठीक है। जो टाइम वेज होता है ये काफी सुटेबल होता है, जो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर है तो फिर वो प्रोडक्शन तो करते नहीं, तो पीस का पता ही नहीं चलेगा कितना माल बनाया उन्होंने, तो इस वजह से वहां पे सुटेबल होता है, जो ऑफिस वर्क होता है वहां पे सुटेबल है टाइम वेज। आसान है? हाँ जी, और पीस वेज काफी सुटेबल होता है जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जहां पे हेल्पर काम कर रहे होते हैं उस जगह पे, कौन सा माल मतलब कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगता है पीस वेज, जैसे कि ये निकला पीस वेज सिस्टम कैसे निकलता है, वेजेस कैसे निकलते हैं, नंबर इनटू में रेट। अब ये नंबर किस चीज के, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यहां पे नंबर ऑफ आवर वर्क था कितने घंटे काम किया, क्योंकि वो टाइम वाला मेथड था, ये है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यहां पे यूनिट है यानी कि कितना पीस उसने बनाया, इनटू में रेट पर यूनिट, रेट जो होगा पर यूनिट लेना है, यहां पे रेट पर आवर था यहां पे रेट पर यूनिट लेना है। आसान भाई? हाँ जी, ये दोनों मेथड हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसके बाद जो आज इस बार चैप्टर में करना है वो ये वाला मेथड है जिसका नाम है वेज इंसेंटिव प्लान। क्या नाम है? वेज इंसेंटिव प्लान। और वेज इंसेंटिव प्लान में भाई तीन मेथड होते हैं, ये तीन मेथड, इंडिविजुअल, ग्रुप और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव। आसान है? इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव, इसके अंदर बहुत सारे प्लान है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले करने पड़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, जैसे कि ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे आपको ये वाला न्यूमेरिकल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन उसके बेसिस पे ये वाला, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल वाले हैं। कौन से वाले? इंडिविजुअल वाले, ये सारे के सारे, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद ग्रुप के इंसेंटिव के बेस पे ये वाले हैं, दो दो फॉर्मूले आपके, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें भी दो है, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें तीन है, एक दो तीन। आसान है? तीन फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे किसके बेस पे? टाइम के बेस पे। तीन दो फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे किसके बेस पे? प्रोडक्टिविटी के बेस पे। और उसके बाद दो फॉर्मूले ग्रुप इंसेंटिव, और बाकी के ये तीन फॉर्मूले किसके बेस पे? ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव के बेस पे। आसान है? हाँ जी, जिस जिसने फॉर्मूले दिए उनके नाम से हमने फॉर्मूले बनाए दिए, और कुछ के नाम नहीं थे इंसानों के तो फिर उसकी जगह हमने लगा दिया, जैसे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन ऐसा वाला फॉर्मूला।
आसान भाई। हाँ जी, तो ये चार्ट है, ध्यान से याद कर लेना, जैसे हासले प्लान, रोमन प्लान, एमर्सन प्लान, इस तरीके से कोई भी नाम दे देगा और बोल देगा इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आसान था भाई। हाँ जी, तो मेरे को लगता है आपने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं साइड हो चुका था। और फिर उसके बाद चालू करते हैं एक एक प्लान को सॉल्व करना, कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर एक एक प्लान को कैसे चलते हैं सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बढ़िया। चलो करते हैं, नोट करना हो जिसको नोट कर लेना भाई, ठीक है, नीचे पेंशन लिखा हुआ लास्ट में 4 नंबर पे, ठीक। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, ठीक है। हाँ जी, और इस बार थोड़े से न्यूमेरिकल्स के साथ आए हैं, ठीक है, और सारे प्लान्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला आता है सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान, ठीक है, मैंने बताया था प्लान्स 3 तरीके के हैं, एक इंडिविजुअल प्लान है, और दूसरा है ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स, और तीसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान। देखो ये वाले जो टॉपिक है ना, ग्रुप प्लान और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आगे जाके जब आप मास्टर्स पढ़ोगे तब थोड़ा ज्यादा डीपली आएगा इस बारे में, ठीक है। बाकी और कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कंपनी अपने हिसाब से क्या होता है चेंजेस कर सकती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं और ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो फॉर्मूले हमको सीखने हैं वो है इंडिविजुअल प्लान, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो इंडिविजुअल प्लान में से इतने सारे प्लान्स में से कोई सा भी प्लान वो उठा के दे सकता है, ठीक है, और उसके बारे में पूछ सकता है। तो सुनिए ध्यान से आप फटाफट से। सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान के अंदर आता है हासले प्रीमियम प्लान। हासले प्रीमियम प्लान कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए बोनस, ये तरीका है बोनस निकालने का, यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, टोटल वेजेस कितने दिए जाएंगे, उसको निकालने का तरीका। शुरू है फटाफट से। हाँ जी, तो हासले प्रीमियम प्लान के अंदर क्या होता है भाई, समझिए, आपको कह रहा है टोटल वेजेस निकालना है। टोटल वेजेस कैसे निकलेगा, वो कह रहा है टाइम इनटू मेरिट, यानी कि जो उसने काम किया है, जिस किसी इंप्लॉय ने जितना काम किया है उतना तो उसको देना ही देना है, लेकिन बोनस क्या देना है, बोनस ये रहा, जितना टाइम उसने बचाया है हमारा उसके हिसाब से उसको बोनस भी दिया जाएगा। आसान है, जितना उसने टाइम बचाया है उसके हिसाब से उसको बोनस भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे टोटल बोनस कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है टाइम इनटू मेरिट, तो टाइम इनटू मेरिट देखो सिंपल बात, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 10 घंटे, यानी कि एक एम्प्लॉय को 10 घंटे में काम करना, मतलब कोई काम करने में या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने में 10 घंटा लगता है। एक एम्प्लॉय को किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा लगता है, लेकिन उस एम्प्लॉय ने कितना टाइम लिया, 6 घंटा, यानी कि उस एम्प्लॉय ने 6 घंटे में ही वो प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, स्टैंडर्ड से भी कम टाइम लिया है, ठीक है। हाँ जी, तो और क्या बोलते हैं रेट क्या है एक प्रोडक्ट की, उसको मिलती है सैलरी 4 रुपए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और बोनस का कह रहा है 50% ऑफ टाइम सेव, जितना आप टाइम बचाओगे उसका 50% आपको मिलेगा बोनस के तौर पर। तो चालू करते हैं, देखिए पहले उसने कितने घंटे काम किया था, कहाँ गया, हाँ जी उसने 6 घंटे काम किया, तो 6 घंटे इंटू में रेट कितना हो गया, रेट 4 रुपए पर रेट था, तो 6 इंटू में 4 कितने रुपए मिलेंगे उसे, उसको मिल गया कितने रुपए, 24 रुपए, 24 रुपए। आसान है, ये तो उसका फिक्स है क्योंकि उसने 6 घंटे काम किया, तो 6 इंटू में 4 के हिसाब से उसे कितने रुपए मिल गए, 24 रुपए मिल गए। आसान है, क्योंकि जितना घंटे काम करेगा उतने टाइम के पैसे मिलेंगे उसे, तो उसने 6 घंटा काम किया तो 6 घंटे के हिसाब से उसे कितने रुपए मिल गए, 24 रुपए मिल गए। लेकिन सोचिए अब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा उसे, बोनस कितना मिलेगा, समझ रहे, उसको बोनस कितना मिलेगा, वो जो उसने टाइम सेव किया, कितना टाइम सेव किया, देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ये टाइम सेव निकालना है, तो स्टैंडर्ड में से टाइम टेकन घटा, तो स्टैंडर्ड कितना था, 10 घंटे काम करने में लगते थे, लेकिन उसने कितने में कर लिया, 6 में ही कर लिया, यानी उसने कितना टाइम सेव कर लिया, 4 घंटे सेव कर लिए, समझ में। हाँ जी, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 घंटे, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4 घंटे, कि उसने मेरा कितना टाइम बचाया भाई, थोड़ा छोटा कह रहा है ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल साइंस के अंदर, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा भाई मैं कह रहा हूँ क्वालिटी बढ़ा के देखना, 1080p में देखना, आपको सारा साफ साफ दिखेगा, और आजकल जूम का फीचर है, आप जूम करिए और आराम से देखिए, ठीक है। हाँ जी, जिस जगह पे आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा जूम करके 1080p में देखना, आराम से दिख जाएगा आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, अच्छी क्वालिटी में वीडियो रखिए, मतलब भाई छोटा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि न्यूमेरिकल भी समझाने पड़ रहे हैं ना एक ही बार में, और मेरे पास उतना टाइम रहा नहीं भाई, क्योंकि अभी क्या होता है खुद उतारने में और क्वेश्चन ढूंढने में, कि इतने तरीके से क्वेश्चन ढूंढने हो सकते हैं, ठीक है भाई, वो क्वेश्चनों में टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स आपका ये न्यूमेरिकल वाली चीज़ें होती है ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, थ्योरी वाली हो जाती है आराम से। हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल से फटाफट से, दोबारा समझिए, ये उसने कितना घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया था 4 रुपए के हिसाब से, तो उसके कितने रुपए मिल गए, 24 रुपए, ये फिक्स है, ठीक है। अब उसने जितना टाइम सेव किया तो उसके 50% दे दो बस, तो उसने कितना टाइम सेव किया, 10 घंटे काम करने में लगते थे और 6 घंटा उसने लगाया, यानी कि 10 में से 6 गए कितना बच गया, 4 घंटे, यानी कि उसको 4 घंटे का बोनस मिलेगा, तो 4 घंटे इंटू में रेट और टाइम, मतलब सॉरी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम कितना था, उसको कितना प्रीमियम मिलना है, ये दो बोनस कितना है 50%, 50% मतलब क्या होता है 1/2, वो भी किसका, रेट का, रेट कितना था, रेट ये रहा 4 रुपए, तो 4 रुपए का
मतलब कि 50% उसको देना है, तो चार रुपए का 50% सॉल्व करते हैं तो चार से कट गया यानी कि दो रुपए, तो उसको दो रुपए मिलेंगे यानी 50% पैसा मिलेगा क्योंकि उसने टाइम कितना बचाया, चार घंटे, तो चार दुनिया कितना हो गया आठ, यानी 4 × 8 यानी जितना भी वो टाइम बचाएगा, जितना भी टाइम बचाएगा उसका 50% उसने खुद बोला था ना 50% देना आपको जितना भी टाइम बचाओगे। हाँ जी, तो उसने टाइम बचाया था कितने रुपए, वो कितने घंटे बचाए थे, 10 घंटे का काम था 6 घंटे में कर दिया यानी 4 घंटे उसने बचा लिया, तो आधा देंगे यानी 50% देंगे, तो 2 घंटे का देना है आपको उसको बोनस यानी 2 × 4 कितना हो गया 8, तो 24 और 8 कितना हो गया 24 और 8 ये हो गया 32, तो आप कितने रुपए दोगे उसके 32 रुपए दोगे 32 रुपए, आसान है। हाँ जी, तो उसकी सैलरी कितनी बनी 32 रुपए। बच्चे कुछ बोलेंगे भैया अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से 10 घंटे काम करवाते हैं 10 × 4 के हिसाब से उसे 40 रुपए मिलते है ना, अगर वो पूरा 10 घंटे में काम करता आलसियों की तरह तो उसको कितने रुपए मिलते 40 रुपए मिलते, लेकिन अब तो उसे खाली 32 ही रुपए मिल रहे हैं, सुनाया, तो ये बोनस थोड़ी ना हुआ, ये तो उसको कम सैलरी मिलना हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं है, समझिए ध्यान से, यहाँ पे 10 × 4 के हिसाब से 40 रुपए मिलते ठीक है, लेकिन क्या उसे बोनस मिलता, नहीं मिलता, कुछ और चीज मिलती, नहीं मिलती, यानी खाली 40 रुपए वो लेके घर जाता, लेकिन अब उसने प्रोडक्शन क्या कर दिया 6 घंटे के अंदर ही कर दिया, यानी वो आउटपुट उसने कितने में बना दिया 6 घंटे में ही बना दिया, तो उस 6 घंटे में बनाने के लिए उसे कितने रुपए मिल रहे 32 रुपए मिल गए, आसान है। अब चाहे तो उसके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं क्योंकि 10 घंटे काम करवाती है कंपनी, तो 4 घंटे उसके पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो वो 4 घंटे और काम कर सकता है, यानी कि 4 घंटे वो काम करेगा, वो भी कितने रुपए के हिसाब से 4 के हिसाब से, 4 × 4 कितना हो गया 16, समझ में आया। हाँ जी, तो 16 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा सकता है, कितने रुपए कमा सकता है 16 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता है, तो 32 और 16 कितने हो जाएंगे 32 और 16 कितने हो गए भाई, ये हो गए क्या बोलते हैं 42 और 6 48 48 रुपए हो सकते हैं उसके पास, समझ में आया, यानी कि वो 8 रुपए और उससे तो फालतू ही कमा रहा है, सुनवा गया भाई। हाँ जी, जो मैंने बताया था ना 8 रुपए ये तो बोनस मिल रहा है, जो उस बोनस क्या है वो 8 रुपए है जो उसके लिए फालतू कमाया, जो उसने टाइम बचाया था ना 4 घंटा, 4 घंटा वो कह रहा है 50% जो आप टाइम बचाओगे उसका 50% आपको मिलेगा, तो 4 घंटा आपने बचाया था, 4 घंटे का 50% कितना हो गया 2 घंटे का आपको बोनस मिलेगा, तो 2 × 4 4 रुपए प्राइस था, तो 4 रुपए हो गया 8 रुपए, तो आपके 8 रुपए क्या हो जाएंगे यहाँ पे बच जाएंगे, आसान था भाई। हाँ जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो वो कहता है जितना भी आप टाइम बचाओगे उसका 50% आपको दे देना है, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, टाइम सेव होता है, इससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। दूसरी दिक्कतें क्या होती हैं, 50% ऑफ टाइम सेव जो इंप्लॉइज को ना खाली 50% ही मिलता है भाई टाइम सेव का, तो फिर थोड़े निराश हो जाते हैं, खाली 50% दे रहे हैं, 100% देना चाहिए था। हाँ जी, दूसरी चीज डिफिकल्ट होता है, जो इंप्लॉय होती है उसके लिए बात समझ रहा है, थोड़ा क्या होता है सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंप्लॉय ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते ना भाई, वर्कर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस वजह से इनके लिए डिफिकल्ट होता है ये समझना। वैसे ये जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है भाई, ये सारे के सारे आप सब में चेप सकते हो, सब में सेम आ सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, क्योंकि सारे के सारे सेम ही लिखे मैंने, चालू करता हूँ। रोमन बोनस प्लान, अब ये रोमन सर क्या कहते हैं बोनस प्लान के बारे में, वो कहते हैं जितना आपने काम किया है उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये ना टोटल वेजेस का फॉर्मूला, रोमन सर क्या कहते हैं, रोमन सर कहते हैं जितना आपने काम किया है उसको मल्टीप्लाई करना है जितना आपने टाइम सेव किया है उससे, तो आपको बोनस निकल के आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चालू करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 10 घंटे कि आपको 10 घंटे काम करना था, ठीक है, टाइम में आपने कितना लिया चलते 6 घंटे में ही काम कर दिया आपने, यानी आपने 4 घंटे फिर से बचा लिए, ठीक है। रेट कितना मिलता है 4 रुपए पर आवर के हिसाब से, तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम आपको कितना पैसा मिलेगा, तो टाइम कितना लिया आपने 6 घंटे इंटू में रेट कितना चल रहा है 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है, इंटू में टाइम के और रेट कितना हो गया भाई 6 × 4, ठीक है भाई। हाँ जी, इंटू में टाइम सेव, कितना टाइम सेव किया आपने 6, वो स्टैंडर्ड में से वो माइनस कर दो, यानी कि 10 में से 6 गए 10 − 6 बटे में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब 10, बस तो 10 में से 6 गए ये बच गया 4, तो इसके जो 4 आ गया और ये कट गया तो ये हो गया कितना 0.4, कितना हो गया 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 × 24 और क्या बोलते हैं कितना हो गया 24 × 6 24 × 24 = 48 कितना होता है पता नहीं, 72। हाँ जी, एक बार कैलकुलेट कर लो भाई ध्यान से, मैं कभी गड़बड़ हो जाए तुम्हारे हवाबाजी के चक्कर में, 24 × 24 = 48 × 24 = 72 × 24 = 96, तो भाई ये हो गया 96, यानी कि 9.6, आसान भाई यही हुआ ना। हाँ जी, तो ये 9.6, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इंटू में 4 और इंटू में 6 कर देना है, तो 6 × 24 तो 24 × 9.6, आसान है। अब इसको कैलकुलेट कर सके फोन से तो वीडियो बन रही है, हाँ जी करना ही पड़ेगा भाई, तो 9 × 6 = 24 करते हैं कैलकुलेट, इतनी टेबल मेरे को भी नहीं आती भाई, 6 × 24 का कर लेते हैं, ठीक है, और 6 × 4 = 24 4 का हाजल 2 हाजल चलते हैं 36 37 38 38 काटा लग गया, ये किया 6 × 12 का 2 1 हाजिल ऊपर 9 × 18 = 19 192, यानी कि 4 0 3
और 2, ये हो गया भाई 230.4 है। कुछ ज्यादा नहीं आ गया ये? अरे कुछ ज्यादा नहीं आ गया? हाँ जी कुछ ज्यादा नहीं आ गया, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं दोबारा से। ठीक है भाई, ओह शिट मैन, ये गलती कर दी भाई, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा भाई। हाँ जी, तो जितना उनको ए मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने गलती से, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, फॉर्मूले में कह रहा है जो टोटल आपको वेजेस मिलती है, जैसे कि 6 चौक कितना हो गया 24, वो 24 रुपए तो मिलेंगे ठीक है, वो 24 रुपए तो मिलेंगे प्लस में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जो आप टाइम सेव करोगे उसके हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी 6 × 4 यानी 24 का, वो भी कितना टाइम सेव किया था आपने 0.4, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया था ये, ये था भाई 6 × 24 9.6 हो गया था भाई, 9.6 और कितना हो गया 24 और 9.6 कितना हो गया, ये हो गया 24 और 6 10, क्या होता है 34, यानी 33.6, तो आपको जो वेजेस मिलेंगे वो 33.6 मिलेंगे कुछ। ठीक है भाई, आसानी से। हाँ जी, तो यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है भाई, तो माय मिस्टेक। ठीक है सर, हाँ जी, तो टोटल आपको जो वेजेस मिलेंगे वो किस हिसाब से मिलेंगे, जो आपने टाइम सेव किया है ना उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड किया जाएगा, जो आपने टाइम सेव किया उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड किया जाएगा, और फिर जो आपको रेट मिलना था ना टोटल उस पर, जितना आपने अर्निंग करी थी, जितना आपने कमाया था उसका मिलेगा, क्या बोलते हैं उतना परसेंट। आसान था भाई। हाँ जी, तो आप इस तरीके से निकाल लोगे, ये ना फॉर्मूला और ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया, और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स वही सिंपल मेथड है, टाइम सेव होता है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा डिमेरिट्स क्या है, 50% ही मिलता है, जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका 50% ही मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है भाई, क्या होता है जितना टाइम सेव करोगे उतना ही मिलेगा आपको, और उसके बाद डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, किसके लिए, समझने के लिए, एम्प्लॉयज के। आगे चलते हैं, एमर्सन प्लान क्या कहता है सर, एमर्सन सर का प्लान कहता है अगर कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो हमारे लिए काम करता है और एफिशिएंसी दिखाता है 0 से लेकर 66% तक, लगभग कितनी एफिशिएंसी दिखाता है 66.67% तक दिखाता है, तो उसको बोनस मिलेगा 0.67 तक दिखाता है तो स्मॉल बोनस मिलेगा, छोटा सा, यानी कि मुश्किल से 0.5% 0.8% या फिर 1% मैक्सिमम इतना बहुत है। ठीक है, 80 से अगर कोई 90% तक दिखाता है तो एफिशिएंसी, तो उसको 4% का बोनस मिलेगा, यानी अगर मैंने बोला भाई आपको काम करना है कितने घंटे, 100 घंटे काम करना है, मैंने क्या बोला आपको 100 घंटे काम करना है, और किसी इंप्लॉय ने 100 घंटे नहीं 10 घंटे काम करना है आपको एक दिन में, अगर मैंने बोला एक दिन में 10 घंटे काम करना है और किसी इंप्लॉय ने खाली 7 घंटे काम करे, मतलब वो 70% एफिशिएंसी दिखा रहा है, तो 70% किसमें आएगा, इसमें, यानी कि उसको 1 या 2% बोनस मिलेगा। अगर उस इंप्लॉय ने 8.5 घंटे काम किया, कितने 8.5 घंटे काम किया, यानी कि 8.5, यानी कि वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, यानी कि उसको 4% बोनस मिलेगा। अगर उसी इंप्लॉय ने 9% काम किया, कितना परसेंट, तो वो 90 से 100 के बीच में आ गया, यानी उसे कितना बोनस मिलेगा, 10% बोनस मिलेगा, जितना भी उसको बोनस मतलब सैलरी मिली थी उसका 10%। आसान है। हाँ जी, और कोई 100% से ज्यादा काम करता है, मान लेते हैं 110% काम करता है, कितने परसेंट, 110%, क्या लिख रहा हूं, 110% काम करता है, 110% काम करता है, तो उसे 20% बोनस तो मिलेगा, मिलेगा फिक्स है। ठीक है, और 1% मिलेगा जितना भी उसने एक्स्ट्रा काम किया, जैसे कि 100 से जितना भी फालतू किया, 100 से जितना भी फालतू किया, फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे 110 घंटे काम किया, 110 बोल रहा हूं, कितने 11 घंटे काम किया किसी एम्प्लॉय ने, किसी एम्प्लॉय ने 11 घंटे काम किया, 11 घंटे काम करने के बाद बताया कि वो एफिशिएंसी दिखा रहा है 110%, यानी कि 100% को अलग कर देंगे जिसके लिए उसको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन जो 10% है 10% के लिए उसे 10% ही क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। देखो अब देखिए यहां से 20% तो फिक्स है क्योंकि उसने 110% काम किया है, 100% से ऊपर एफिशिएंसी दिखाई है, तो 20% उसे फिक्स मिलेगा बोनस, जो भी उसका बोनस होगा उसको 20% फिक्स है, लेकिन जितना वो एक्स्ट्रा काम करता जाएगा हर एक एक्स्ट्रा काम के लिए उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जैसे अगर एफिशिएंसी आती 101%, तो उसको मिलता 20% प्लस में 101 का 1%, तो उसे बोनस मिलता 21%, समझा टोटल। आगे चलते, अगर एफिशिएंसी आती 115%, कितने परसेंट एफिशिएंसी होती, 115%, यानी कि उसने जो काम किया वो 115% की एफिशिएंसी के साथ किया, तो 20% तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन 115 का 15% एक्स्ट्रा है ना, 100 से 15% एक्स्ट्रा है, तो वो 15% का 15% एक के हिसाब से हर एक परसेंट का एक परसेंट मिलेगा, मतलब हर एक एफिशिएंसी का उसे क्या मिलेगा, 1% बोनस मिलेगा, यानी 15% का कितना हो गया 15, तो 20 और 15 35% उसे बोनस मिलेगा। आसान है। किसी ने अगर एफिशिएंसी दिखाई 150% की, यानी डेढ़ गुना जल्दी काम किया, ठीक है, हाँ जी, एफिशिएंसी 150% की है, तो 20% फिक्स मिलेगा, लेकिन जो 50% की एफिशिएंसी है तो 50% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा। ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, वो बोनस मिल दिया जाएगा एमर्सन प्लान के हिसाब से। आगे चलते हैं भाई, अगला प्लान आता है बैडॉक्स पॉइंट प्लान। बैडॉक्स पॉइंट प्लान क्या कहता है, अगर कोई इंप्लॉई है जो एफिशिएंसी दिखा रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको काम कैसे मिलेगा, देखो 75% जो होगा ना पैसा वो किसके पास चला जाएगा, इंप्लॉई के पास,
जो भी उसका काम होगा। देखिए जितना भी आपको बोनस देना है उस एम्प्लॉय को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोनस दीजिए, लेकिन 75% बोनस कौन ले लेगा? एम्प्लॉय। और 25% किसके पास जाएगा वो बोनस का हिस्सा? एम्प्लॉयर के पास, यानी कि जो वो था ना, क्या नाम था, जो उस पर सुपरवाइजर करता था या फिर उसको जो देख रेख करता था, उससे काम करवाने में मोटिवेट करता था, हाँ जी, उसके पास चला जाएगा पैसा। आसान है, 75% मिलेगा एम्प्लॉय को और 25% किसको मिलेगा? सुपरवाइजर को। ठीक है भाई, हाँ जी, तो अब निकालते हैं फटाफट से कितना काम किया और कितना पैसा इसको मिलना चाहिए। वो कह रहा है 75% बोनस मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। तो देखते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे एक खास बात है, इनमें जो है ना एफिशिएंसी वो बीज में नापते हैं, यानी कितना काम हुआ उसको बीज में नापते हैं। और मैंने बताया एक बीज मतलब कितना होता है भाई? एक घंटा। एक घंटे में कितने बीज होते हैं? सॉरी, एक घंटे में कितने बीज होते हैं? 60 बीज। सिंपल भाई, हाँ जी। तो आप ये मान लो ये मिनटों में नापते हैं काम को, ठीक है भाई, हाँ जी, ये किस में नापते हैं? मिनटों में। तो मैं इसको आवर में चेंज कर लेता हूँ, एक बीज में कितने घंटे होते हैं? क्या बोल रहा हूँ, एक घंटे में कितने बीज होते हैं? 60 बीज। तो यहाँ पे 300 बीज लिखा हुआ है, तो ये कितने घंटे होंगे? 60 बीज मतलब एक घंटा, 320 मतलब 60 से डिवाइड करके देख लो, तो 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 65 से 60, यानी ये 5 घंटे काम किए किसी एम्प्लॉय ने, यानी स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 5 घंटे, उसको 5 घंटे काम करने थे, लेकिन उसने कितने घंटे काम किए? 60 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना हो गया, उसने टाइम टेक एक्चुअल टाइम कितना है उसका? 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया? 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे उसने काम किए। ठीक है, उसको काम करना चाहिए था 5 घंटे, लेकिन उसने काम कितना किया? 4 घंटे। एक्चुअल टाइम कितना आया? 4। अच्छा रेट क्या चल रहा है? 6 रुपये के हिसाब से। रेट कितना चल रहा है? 6 रुपये के हिसाब से। तो एक बार निकालते हैं उसको कितना बोनस मिलेगा। तो पहली चीज उसको टोटल बेच, देखो ये ना फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, 75% मिलेगा। तो टोटल 7S × R, एस मतलब क्या होता है भाई? ये स्टैंडर्ड टाइम जो कि कितना था? 5 घंटे। तो 5 घंटे इंटू में रेट कितना चल रहा है? रेट 6 रुपये मिलते हैं, तो 5 × 6 6×5 कितना हो गया? 30 रुपये तो आपको फिक्स मिलेंगे। बोनस कितना मिलेगा? 75% का। 75% वो भी किसका? वैल्यू ऑफ टोटल सेव्ड, यानी वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड, जितना भी आपने टाइम बचाया उसका कितना मिलेगा आपको? कितना परसेंट? 75%। सोचिए अब ध्यान से, आपने कितना टाइम बचाया? कहाँ गया, हाँ जी, स्टैंडर्ड टाइम आपके पास कितना था? 5 घंटे। आपको पास बोनस मतलब एक्चुअल टाइम कितना लगाया आपने? 4 घंटे, यानी कितना टाइम बचाया? 1 घंटे का टाइम बचाया। ठीक है, आपने 1 घंटा बचाया, तो 1 घंटा इंटू में 1 घंटे में कितने रुपए कमाते हैं इंसान? 1 घंटे में मिलते हैं 6 रुपये किसी इंसान को, यानी आपने 6 रुपये बचा लिए अपने, समझ में? हाँ जी, यानी कि आपने जो टाइम था, जो कि कैसे निकालता हमने, स्टैंडर्ड माइनस में एक्चुअल टाइम और इंटू में जो रेट चल रहा था ना वो रेट, चलो मान लो ये फॉर्मूला बना दिया हमने, तो कितना था ये? ये था 1 घंटा इंटू में 6 के हिसाब से, यानी कितना हो गया? 6, और उसका 75%, तो 75% कितना होगा? 6 का 75%, 4 से डिवाइड करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 से डिवाइड कर दिया 1.55, 3 से मल्टीप्लाई किया 4.5, तो भाई ये आ गया 4.5, तो 30 और 4.5 यानी 34.5 आपको ये बोनस मिलेगा। कितना? 34.5। आसान है, इतने आप बोनस के एप्लीकेबल हो गए, मेरे को लगता है दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 34.5। आसान है इस तरीके से, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, आपने कितना टाइम सेव किया? 5 घंटे काम किए थे, सॉरी 5 घंटे का काम करना था आपको, लेकिन आपने काम कर दिया 4 घंटे में ही, यानी आपने 1 घंटा सेव कर लिया, 1 घंटा सेव कर लिया, और आपको 1 घंटे का कितने रुपये मिलते हैं? 6 रुपये मिलते हैं, यानी आपने कितने रुपये बचाए उसके लिए? 6 रुपये, तो 6 का 75% आपको मिल जाएगा। किसका? 6 रुपये का 75%। अगर आपने 2 घंटे बचाए होते तो 2 यानी 6 × 2 कितने हो गया? 12 रुपये, तो 12 रुपये का 75% मिल जाता आपको। आसान है, ये बोनस होता भाई। तो ये आपका बोनस है जो कि अभी फिलहाल कितना है? 1 घंटे का 75 यानी 4.5, और 30 रुपये तो मिल ही रहे, 4.5 बोनस मिल गया यानी 34.5। ये कहता है भाई बेडॉक्स पॉइंट प्लान। आसान है भाई, खत्म। आगे चलते हैं, बाकी आते हैं छोटे छोटे प्लान। क्या? टेलर पीस रेट प्लान। टेलर पीस रेट क्या होता है? कह रहा है अगर कोई 100% से कम काम करता है तो उसको ना भाई, यहाँ पे जो रेट है ना, देखो ये तो थे टाइम के हिसाब से, आपको किसके हिसाब से थे? टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम के आपको हिसाब से बोनस देना पड़ेगा, बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पीस के हिसाब से आपको बोनस प्रोवाइड करना, जितना माल बनेगा उसके हिसाब से आप बोनस दोगे। जैसे अगर किसी ने, हमने जितना माल बोला था उसको बनाने के लिए, उसने उतना माल बनाया नहीं, यानी उसने एफिशिएंसी कम दिखाई, उसने एक माल कम बनाया, तो उसको बोनस भी क्या दिया जाएगा? कम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पीस का रेट होगा वो कम होगा। आसान है, जैसे मान लो कोई अगर 100% से कम काम करता है, 100% से काफी कम एफिशिएंसी दिखाता है, तो एक पीस का रेट उसके लिए रखा जाएगा मान लो 6 रुपए, और जो 100% से ज्यादा एफिशिएंसी करता है, जितना हमने माल बना था उससे ज्यादा माल बनाया उसने, तो भाई उसके लिए पीस का रेट रखा जाएगा 8 रुपए के हिसाब से मान लेते हैं, तो 8 रुपए और 6 रुपए रेट रहेगा। यानी अगर कोई कम प्रोडक्शन करता है तो 6 रुपए के हिसाब से भाई पैसे कमाएगा, अगर कोई ज्यादा प्रोडक्शन करता है 100% से तो वो 8 रुपए के हिसाब से पैसे कमाएगा, यानी पीस का रेट हर एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेलर पीस सर कहते हैं। ठीक है भाई, टेलर पीस।
आगे चलते हैं, मैरिक प्लान क्या होता है। मैरिक प्लान कहते हैं सर कि आपको ना वही आपको रेट अलग अलग रखने हैं, लेकिन यहाँ पे रेट क्या होंगे, जैसे मान लेता हूँ मैं किसी चीज़ का रेट है 10%, मतलब कि 10 रुपये एक पीस कितने बनता है, 10 रुपये, यानी एक पीस बनाने के लिए एम्प्लॉय को कितने रुपये मिलते हैं, 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर कोई 83% से कम प्रोडक्शन करता है तो उसे 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 10 रुपये के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करो या फिर वेजेस प्रोवाइड करो। लेकिन अगर कोई 83% से लेकर 100% तक काम करता है तो उसको 110% के हिसाब से लेके चलना है। जैसे एक पीस कितने बनता है, सॉरी भाई, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक पीस बनता है 10 रुपये में, तो उसका 110% कितना हो गया, 11 रुपये, तो उसके लिए पीस कितने का हो जाएगा, 11 रुपये का, यानी कि उसको हर एक पीस बनाने पर कितने रुपये मिलेंगे, 11 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वो एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर कोई 100% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, यानी जितना हमने बोला था उससे ज़्यादा पीस बनाता है, तो उसको मिलेगा 120%, यानी कि 12 रुपये के हिसाब से आपको क्या देने पड़ेंगे, उसको चलते हैं वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पीस के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे बोनस प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे कहता है बोनस कम देंगे और ज़्यादा देंगे, यहाँ पे कहता है अगर 83% है तो फिर 10%, मतलब जो बेसिक देते हैं वही देंगे, और अगर 83% से 100% है तो 110% देंगे बेसिक का, और 100% से ऊपर है तो 120% देंगे किसका, बेसिक का। आगे चलते हैं भाई, ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ये ऐसे प्लान होते हैं जो ग्रुप में दिए जाते हैं, जैसे ठेकेदार को, हमने ठेकेदार हायर किया, ठेकेदार के नीचे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, ठेकेदार लेके आता है अपने लिए एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हम ठेकेदार को एक बार पैसे दे देंगे और वो अपने एम्प्लॉयज को यार देगा, बांट देगा, ठीक है। अब समझिए ग्रुप इंसेंटिव प्लान में क्या होता है, जैसे कि हाँ जी, पहला मेथड आता है प्रीलिस्टमैन क्या रखते हैं, कहते हैं अगर कोई एफिशिएंसी दिखा रहा है 100% से ज़्यादा तो बोनस उसको देंगे, लेकिन अगर कोई 100% से एफिशिएंसी कम दिखा रहा है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। दोबारा सुनिए, अगर कोई, सॉरी भाई आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, शुक्र है, हाँ जी, अगर कोई 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है तो उसको बोनस ज़्यादा मिलेगा, और अगर कोई 100% से एफिशिएंसी कम दिखाता है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। आसान भाई, ये था, ये प्लान था भाई प्रीलिस्टमैन का, आसान है, हाँ जी। आगे चलते हैं गेन शेयरिंग मेथड। गेन शेयरिंग में क्या था, एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाओगे तो बोनस मिलेगा ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। ज़्यादा डीपली में कोई न्यूमेरिकल दे नहीं रखा, आपके सिलेबस में भी उतना नहीं आएगा। मेन जो आएंगे मेथड वो इन नाम से आएंगे, सबसे मेन जो होता है भाई, पहला हासले मेथड होता है, दूसरा रोमन मेथड होता है, इसके बाद और कोई से करवाया बीच में नहीं, एमर्सन भी इंपॉर्टेंट है, बैटरेस मैंने बहुत ज़्यादा बार देखा है, और टेलर, बस ये वाला। मैरिक का उतना नहीं देगा कि मैरिक आया हो, मतलब ये वाला भी टेलर का भी नहीं आता, मेन जो आते हैं वो ये वाले आते हैं चार, ठीक है भाई। इन चार की प्रैक्टिस ठीक ठाक से कर लेना आपकी, बाकी हो जाएंगे। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिविजुअल तौर पे सारा आपके लिए ही है, ठीक है। ये वाले में से बहुत मुश्किल से ही कोई आता है, ठीक है, अगर आ भी गया तो फिर आप मेरिट्स और डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशन लिख दोगे तो फिर आपके कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, गेन शेयरिंग पता दिया। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं प्लान कहते हैं वो फिक्स करते हैं लोगों के लिए। इसके अंदर क्या होता है, स्केलन प्लान। स्केलन सर कहते हैं अगर किसी ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है तो उसको वैल्यू एडिशन के हिसाब से प्लान दिया जाए, पैसे दिए जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, 100% से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो जितना भी उसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जितना भी एडिशनल उसने प्रोडक्शन किया, तो उस पीस का, जैसे मान लो कोई एक पीस है 8 रुपये बनता है, 2 रुपये उसकी क्या बोलते हैं मार्केट में पहुंचाने के, यानी कि मान लो एडवर्टीजमेंट की और इन सब का हमारा खर्चा आ जाता है, यानी कि एक कॉस्ट पड़ती है कितने रुपये, 10 रुपये, और उस पीस को हम बेचते हैं कितने रुपये में, 15 रुपये में, 10 रुपये का माल कितने में बेच रहे हैं हम, 15 रुपये में, 5 रुपये प्रॉफिट हो गया, वो 5 रुपये प्रॉफिट आपको किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को। ये कहते हैं कौन, स्केलन प्लान, समझ में आया। तो स्केलन प्लान के हिसाब से क्या होता है, ऐसा प्लान है जिसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमको एडिशनल वैल्यू एडिशन कर रहा है वो इंसान, यानी कि हम जितना माल बेचने जा रहे हैं उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है, कॉस्ट उसको माइनस करके, जितने भी आपके खर्चे हैं डेप्रिसिएशन वैप्रिसिएशन सारे माइनस करके, जो आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा है, जितना प्रॉफिट आप कमाते हैं वो प्रॉफिट कर दो उसके साथ बांटो, यानी कि इसको दो, जो आपका एम्प्लॉय है उसको दो, आसान है, जितना भी उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया केवल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का। आगे चलते हैं, अगर आता है प्रॉफिट शेयरिंग मेथड। प्रॉफिट शेयरिंग मेथड क्या होता है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा शेयर करेंगे हम किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, जिसने अच्छा काम किया है, बोनस अच्छा प्रोवाइड करेंगे उसे, ठीक है भाई, हाँ जी, अपनी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा बांटेंगे। अगला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का क्या होता है, कंपनी ना अपने अपने एम्प्लॉयज को कई बार जो हमारे पास शेयर्स होते हैं ना, कंपनी के शेयर्स होते हैं, उस शेयर्स का एक हिस्सा देती है, यानी कि सैलरी के तौर पे आपको कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, जैसे मान लो 2 शेयर 5 शेयर जितना भी आपको बोनस बनता है वो आपको स्टॉक्स के रूप में दिया जाएगा, कंपनी के शेयर्स के रूप में दिया जाएगा इस प्लान के अंदर, आसान है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो ये मान के चले कि हम भी एक पार्ट है किसका, एक कंपनी का। आसान भाई, यहाँ पे खत्म होता है सर प्लान। और सर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि अलग अलग मेथड एक बार में याद करना, उसके लिए क्वेश्चन ढूंढना, उसके लिए फॉर्म में बनाना, आपको समझाना सारी चीजें, ठीक है, हाँ जी।
तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो भूल गया था मैं बतानी पहले से, ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो अगर आपको नोट्स परचेज करना है, ठीक है। तो नोट्स परचेज करने के लिए ये जो नंबर दे रखा है 8059639586, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको पूरे के पूरे जो आपकी बुक है उसके एक बार में पीडीएफ के तौर पर नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स जो होते हैं भाई वो सिंपल नोट्स होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं आसानी से समझ में आते हैं, बहुत छोटे नोट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे होते हैं, सारे टॉपिक है भी नहीं, मतलब आपको अगर पास आपके पास टाइम नहीं है पूरी पूरी सीरीज देखने का तो आप आराम से नोट्स दिखाओ, नोट्स के अंदर 50 पेज होंगे, मुश्किल से 2 घंटे में आप खत्म कर दोगे, तो आपका ये होगा कि पूरा पूरा आपका रिवीजन हो गया, समझ में। हाँ जी, एक तरीके से रिवीजन के तौर पे होता है कि आपने पूरा पढ़ लिया तो सारे के सारे चैप्टर आपको आ जाएंगे आसान भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रखे होते हैं उसके अंदर। तो भाई हाँ जी, तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम 4 दिन, और टाटा बाय बाय।